वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये मैथ्स पजल है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्टली 2 का हम स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 4। 4 में स्टूडेंट्स इसको प्लस कर लेंगे 20 को, तो एडिशन के बाद 24 ये आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सेम वे सेकंड कॉलम में भी है, 3 का स्क्वायर लेना है, 3 3 9, और 9 में इस 30 को ऐड करना है, तो एडिशन के बाद आ जाएगा 39। ये सेंट्रल वैल्यू। स्टूडेंट्स अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये थर्ड कॉलम में जो सेंट्रल वैल्यू है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम इस नंबर का स्क्वायर लेंगे, 4 4 16, और स्टूडेंट्स 16 में 40 को ऐड करेंगे, तो एडिशन के बाद आ जाएगा 56। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है 56। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी है 56। गॉट इट स्टूडेंट्स। सो इट वाज द मैथ्स चैलेंज। Now do subscribe, like and share Momin Jahangir Academy.